नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायोकॉफ जूनियर सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बायोकॉफ जूनियर सिरप को कैसे लेना चाहिए और बायोकॉफ जूनियर सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बायोकॉफ जूनियर सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बायोकॉफ जूनियर सिरप का उपयोग छोटे बच्चों में सूखी खांसी को ठीक करने के लिए और गले में खराश को ठीक करने के लिए बायोकॉफ जूनियर सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बायोकॉफ जूनियर सिरप सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से भी राहत दिलाती है। सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, आंख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और नाक का बंद होना आदि लक्षण सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी होने पर हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर बच्चों में बायोकॉफ जूनियर सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट बच्चों में बायोकॉफ जूनियर सिरप की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन होना, सिरदर्द होना, चक्कर आना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, कब्ज होना या दस्त होना, भूख कम लगना, छाती में जलन होना, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स बायोकॉफ जूनियर सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बायोकॉफ जूनियर सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। बायोकॉफ जूनियर सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 2 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को डॉक्टर 1 मिलीलीटर बायोकॉफ जूनियर सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं और 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलीलीटर बायोकॉफ जूनियर सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं और 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर बायोकॉफ जूनियर सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। बायोकॉफ जूनियर सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ बच्चों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको बायोकॉफ जूनियर सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही बच्चे को देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि बायोकॉफ जूनियर सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को बायोकॉफ जूनियर सिरप को देना रिकमेंडेड व सुरक्षित नहीं है, इसलिए 2 साल से कम उम्र के बच्चों को बायोकॉफ जूनियर सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। लगातार ज्यादा लंबे समय तक बायोकॉफ जूनियर सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर बायोकॉफ जूनियर सिरप को लेते हुए 1 सप्ताह से भी अधिक का समय हो चुका है और आपके बच्चे की खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है तो आपको डॉक्टर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए, ताकि आपका डॉक्टर खांसी होने के कारण का पता करने के लिए दोबारा से जांच करवा सके। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बायोकॉफ जूनियर सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।